हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वॉक विद मी। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ब्रांड्स के बारे में, एडिडास एंड पूमा, और उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। On our front there was Adidas and at our back there was Puma. Basically two different brands. लेकिन क्या आप लोग जानते हैं Adidas और Puma की history और ये दो brands कैसे बने? चलिए उस पर बात करते हैं। Adolf Dassler जो कि एक जर्मन थे, shoes बनाना start करते हैं अपने घर के laundry room में, और उनके बड़े भाई Rudolf Dassler उनको join करते हैं 1924 में। वो लोग एक शू फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं Dassler ब्रदर्स शू फैक्ट्री के नाम से। बहुत सारे एथलेटिक इवेंट्स में Dassler ब्रदर्स ने स्पाइक शूज सप्लाई किए, और बाद में स्पाइक शूज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए उन्होंने स्पाइक्स की जगह कैनवस और रबर का इस्तेमाल किया। 1936 में Dassler कन्विंस करते हैं स्प्रिंटर जेसन ओवेंस को उनके हैंडमेड स्पाइक शूज़ पहनने के लिए ओलंपिक्स में, और ये शूज़ पहन के ओवेंस 4 गोल्ड मेडल जीतते हैं, जिसके बाद कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये शूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। Dassler ब्रदर्स नाजी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इन 1943 शू प्रोडक्शन रोक दिया जाता है और कंपनी एंटी टैंक वेपन्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती है। ...1945 में Dassler फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बाई US आर्मी, एंड इन 1947 दोनों भाई अलग हो जाते हैं और अपनी अलग अलग कंपनी खोलते हैं। Adolf Dassler लॉन्च करते हैं Adidas एंड Rudolf Dassler लॉन्च करते हैं Ruda, जो कि बाद में पूमा हो जाता है। दोस्तों ये तो थी हिस्ट्री Adidas और पूमा की। अब बात करते हैं कुछ Adidas के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। जब बात करते हैं हम Adidas की तो सबसे पहले नाम आता है मेसी का। 2017 में मेसी ने 1 बिलियन पाउंड्स का बूट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है Adidas के साथ। यूँ तो Adidas के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उसमें से एक फॉर्मर फुटबॉलर स्टार डेविड बैकम भी हैं। 2003 में डेविड बैकम ने 150 मिलियन पाउंड्स का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था Adidas के साथ। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं Adidas लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर है ऑल ओवर द यूरोप एंड सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे नाम आता है Nike का। दोस्तों किसी भी ब्रांड की पहचान उसके लोगो से होती है। Adidas का 3-स्ट्रिप लोगो बेसिकली उसके कॉम्पिटिटर कारू स्पोर्ट्स का हुआ करता था। 1951 में Adidas ने ये लोगो कारू स्पोर्ट्स से ख़रीद लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ 2 बॉटल्स ऑफ विस्की एंड 1600 पाउंड्स में ख़रीदा गया था। दोस्तों अब बात करते हैं पूमा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दुनिया के जितने भी बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड हैं वो ये चाहते हैं कि जितने भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स रहें। पूमा की लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नेमार जूनियर का। पूमा ने नेमार जूनियर के साथ 23 मिलियन पाउंड्स पर ईयर डील साइन करी है, जो कि अब तक की लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट इन स्पोर्ट है। विराट कोहली द इंडियन क्रिकेट सुपरस्टार भी पूमा के साथ एसोसिएटेड हैं। पूमा ने 100 करोड़ डील विराट कोहली के साथ साइन करी है फॉर 7 ईयर्स। एक और बड़ा नाम जो पूमा की लिस्ट में है वो है उसैन बोल्ट का। बीजिंग ओलंपिक्स में जब उसैन बोल्ट
गोल्ड जीते थे तो उनका एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ था जहां पर वो अपने पूमा शूज को किस कर रहे थे। दोस्तों पूमा का लोगो जंपिंग कैट डिजाइन किया है कार्टूनिस्ट लुट्स बेक्स ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।